नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली के अस्पतालों में इलाज को लेकर LG अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के फैसले को पलटा। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने उठाए सवाल, कहा ऐसे नहीं ठीक होंगे दिल्ली के हालात। पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने की वर्चुअल रैली। भाषण के दौरान शाह ने ममता बनर्जी को कई मुद्दों पर घेरा। शाह ने भाषण के अंत में सुनाई कविता। प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। 15 दिन के अंदर मजदूरों को भेजा जाए वापस। राज्य सरकार करे समुचित रोजगार की व्यवस्था। दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सभी मरीजों के लिए खोले जाने पर अब बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसा कि केजरीवाल सरकार के फैसले को LG अनिल बैजल ने पलटा, तो अब इस पर मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सवाल खड़े किए। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को सभी मरीजों के लिए खोले जाने पर बवाल बढ़ता जा रहा है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के आदेश को पलटा, तो अब डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सवाल खड़ा कर दिया है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में कल LG साहब ने फैसले को पलट दिया। हालांकि LG को कोई आइडिया नहीं था कि कितने लोग बाहर से इलाज के लिए आएंगे। कल LG साहब ने उस फैसले को पलट दिया था। जब आज LG साहब से DDM की मीटिंग में हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब आपने कल ये फैसला पलटा, तो उससे पहले आपने अपेक्षा की होगी, कुछ आकलन किया होगा कि कितने केस बढ़ेंगे, बाहर से कितने केसेस आएंगे, उसका भी उनके पास कोई आइडिया तो नहीं था। मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि सर हो सकता है आपने इस बात का भी आकलन किया होगा कि कितने बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी, वैसी स्थिति में जब सारे देश से दिल्ली में केस आएंगे, तो उसका भी उनके पास आकलन नहीं था। इतना ही नहीं, डिप्टी CM ने बताया कि आने वाले दिनों में दिल्ली की हालात ठीक नहीं होने वाले हैं। 30 जून तक 1,00,000 केस होंगे और हमें 15,000 बेड की जरूरत होगी, जबकि 31 जुलाई तक 5.5 लाख केसेस होंगे। हाँ, 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1,00,000 केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी शामिल हुए और उन्होंने भी बताया 31 जुलाई तक सिर्फ दिल्ली वालों के लिए 80,000 बेड चाहिए। LG साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई प्लान नहीं किया है। मनीष जी ने पूछा था LG साहब से कि भाई आपने प्लान तो किया होगा जब सबके लिए खोला है, कितने प्लान कुछ नहीं किया है, उसका कोई अंदाजा भी नहीं है, क्या देखते हैं क्या होता है। ये देखने वाली अंदाजे वाली बात पे आ गए, थोड़ा सा मुश्किल काम है। दिल्ली सरकार दिन रात लगी हुई है, नए नए बेड्स बना रही है, परंतु अब इसमें बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बाहरी मरीजों का इलाज नहीं करने का आदेश दिया था। इसका मतलब था कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा। केजरीवाल सरकार के इस आदेश को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पलट दिया था, जिसके बाद अब आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। कोरोना महामारी के चलते देश में रैली की रूपरेखा ही बदल चुकी है। BJP आने वाले चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में लगी हुई है। इसका नजारा देखने को मिल रहा है वर्चुअल रैली में। वर्चुअल रैली अब तक बिहार में की गई थी और इसके बाद पश्चिम बंगाल में ये रैली की गई, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। कोरोना महामारी ने देश में चुनाव प्रचार की तस्वीर ही बदल दी है। बिहार के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब पश्चिम बंगाल में भी वर्चुअल रैली से मंगलवार को BJP कैंपेन की शुरुआत की। शाह की ये रैली इसलिए भी बेहद अहम थी क्योंकि प्रदेश में अगले साल यानी 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन BJP अभी से ही तैयारी में जुट गई है। अपनी इस वर्चुअल रैली के दौरान अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी को कई मुद्दों पर घेरा। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से, क्या बंगाल के गरीब का अधिकार नहीं है? क्या बंगाल के गरीब को अपने बूढ़े बाप का, छोटे बच्चे की इलाज कराने का अधिकार नहीं है? आयुष्मान भारत योजना से बंगाली क्यों विमुख?
आपकी राजनीति करने के लिए बहुत सारे मैदान है ममता जी, कोई मैदान आप तय कर दो, कर लेंगे दो दो हाथ। गरीबों के अधिकार को आप क्यों रोक कर बैठे? और मैं आज बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये सरकार बंगाल के गरीबों के अधिकार को रोक कर बैठी। हम किसानों को पैसा भेजना चाहते हैं, किसानों की सूची नहीं मिलती। हम गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख तक स्वास्थ्य का खर्चा देना चाहते हैं, आयुष्मान भारत योजना बंगाल के अंदर लागू नहीं होती। किस प्रकार की व्यवस्था आप कर, राजनीति की भी एक हद होती है, और आप हमें कह रही है हम राजनीति कर रहे हैं। तो वहीं भाषण के अंत में अमित शाह का शायराना अंदाज भी नजर आया और एक कविता सुनाकर बंगाल में परिवर्तन का विश्वास जताया। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। एक पीड़ा का पहाड़ है, वहां से गंगा निकालने की कभी बात कर रहा है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आपको बता दें कि बिहार में भी बीजेपी ने शाह की वर्चुअल रैली को कामयाब बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रैली को असली लुक देने के लिए 72,000 बूथों पर 72,000 LED स्क्रीन लगाए गए थे। बंगाल में भी बीजेपी की कुछ ऐसी ही तैयारी मंगलवार को देखने को मिली। प्रवासी मजदूरों को अब तक घर जाने में जिस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं कि 15 दिन के भीतर इन मजदूरों को गांव वापस भेजा जाए। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए हैं सभी राज्य सरकारों को कि इनके रोजगार भी सुनिश्चित किए जाए। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। प्रवासी मजदूरों के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश सुनाते हुए मंगलवार को कहा कि जो मजदूर वापस जाना चाहते हैं उन्हें 15 दिन में वापस भेजा जाए और राज्यों से हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि राज्य 15 दिन में बचे हुए श्रमिकों को उनके गांव भेजें, श्रमिक ट्रेन ज्यादा चलाई जाए ताकि उनको यात्रा के लिए अप्लाई करने के 24 घंटे में ही ट्रेन मिल जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा राज्य श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की स्कीम तैयार करें, इसके लिए पलायन कर गए सभी श्रमिकों की पहचान कर पूरी विस्तृत जानकारी वाला डाटा तैयार किया जाए, फिर उनको समुचित रोजगार देने की योजना बनाई जाए। कोर्ट ने आगे अपने आदेश में कहा सभी श्रमिकों की स्किल मैपिंग का इंतजाम हो, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के मुताबिक ये इंतजाम किए जाएं। श्रमिकों के खिलाफ लॉकडाउन के नियम तोड़ने के आरोप में दर्ज सारी शिकायतें और मुकदमे वापस रद्द कर दिए जाएं। एक तरफ जहां देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है और इसका खास असर दिल्ली के सबसे पुराने और बड़े शमशान घाट निगम बोध में देखने को मिल रहा है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वहीं दिल्ली के सबसे बड़े और पुराने शमशान घाट निगम बोध में नॉर्थ ईस्ट साउथ के अस्पतालों से संक्रमित मरीजों के शव आ रहे हैं। और अब तो हालात ये हो गए हैं कि जिन लोगों की साधारण मृत्यु हुई है उनके लिए भी जगह नहीं है, तो दूसरी तरफ अब शमशान घाट में लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। दरअसल सरकार ने कहा था कि एक शव के साथ सिर्फ 20 लोगों के आने की इजाजत होगी और सरकार के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ा रही है। इस समय शमशान घाट पर रोजाना 70 से 80 शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिसमें कोविड और नॉन कोविड शव शामिल हैं। शमशान घाट पर लोग इतनी लापरवाही कर रहे हैं कि एक ही नल को हजारों आदमी छू रहे हैं। साथ ही स्थिति इतनी भयानक है कि दो चिताओं के बीच में पड़ी खाली जगह पर भी अंतिम संस्कार हो रहा है। बहरहाल दिल्ली में कुल 282 शमशान घाट हैं, लेकिन अधिकतर संक्रमित मरीजों के शव यहीं आ रहे हैं। INS TV के लिए मोहम्मद शोएब की रिपोर्ट। अनलॉक 1 फेज 2 के बाद अब मॉल्स की भी रौनक धीरे धीरे लौट आई है। हालांकि यहां पर भीड़ नहीं देखने को मिली है और यहां पर खास मैनेजमेंट किया गया है ताकि लोग एक दूसरे से दूर रहें और संक्रमण ना फैले। ये पूरी रिपोर्ट देखें। पिछले 2 महीने से सभी मॉल अब तक बंद रहे थे, लेकिन 8 जून से सारे मॉल एक एक कर खोले जा रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं मॉल के अंदर की, जहां पर विशेष तैयारियां की गई।
मॉल के डायरेक्टर के अनुसार दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस का इंतजार है, मगर उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने बताया कि HVAC यूवी फिल्टर्स लगाए गए हैं, मॉल में ताजा हवा का संतुलन बना रहे इसके लिए ब्लोअर सिस्टम भी लगाए गए हैं। मॉल के सभी टेक्निकल इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी गई है। उन्हें मॉल का तापमान 24 से 30 डिग्री तक लिमिट रखने को कहा गया है। लोगों की तादाद पर काबू पाने के लिए मॉल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कैमरे के जरिए रियल टाइम पर मॉल में आने वालों का पता चल जाए। फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट के लिए भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, जिससे लोगों को लाइन में लगने की या कैश इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमारा स्टोर ओपन होगा फ्रॉम 10th of June, आज से हमने सारा स्टोर अपना सैनिटाइज कराना स्टार्ट कर दिया है। जितने भी हमारे पास स्टफ एंड स्टॉक जितना अवेलेबल है सारा हमने सैनिटाइज करा दिया है। When स्टोर विल बी ओपन, हम जितने भी कस्टमर आएंगे बाय स्टेप कस्टमर की जो एंट्री होगी 2 से 3 एंट्री होगी, आप स्पेस दे सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम कस्टमर की एंट्री अलाउ करेंगे। जो भी कस्टमर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रायल के लिए कस्टमर को वो नहीं करेंगे कि आप ट्रायल नहीं कर सकते हैं। कैरियर जो भी आप करते हैं, साइज़ के फिटिंग के एक्सचेंज होता है, तो भी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द कस्टमर के, तब हम एक्सचेंज करा सकते हैं। कस्टमर एंट्री करता है स्टोर पे, फर्स्ट हम उनको उनका हैंड सैनिटाइज कराना है, फिर हमको स्टोर मॉल के अंदर चेक हुआ आते हैं, उनका हैंड विनो के हैंड उनका हेड वो चेक होके आएगा। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से वाहनों की एंट्री से पहले उन्हें अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। फिलहाल मॉल में ज्यादातर दुकानें बंद नजर आई और यहाँ पर लोगों की संख्या भी काफी कम नजर आई, लेकिन मॉल में सैनिटाइजेशन का और सोशल डिस्टेंसिंग का खास पालन कराया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर के दादरी थाना क्षेत्र में देर रात बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी और 6 बदमाश घायल हुए। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। गौतम बुद्ध नगर के दादरी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 पुलिस कांस्टेबल और 6 बदमाश घायल हो गए। दरअसल पुलिस को एक ट्रक में बदमाशों के होने की सूचना मिली, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। आपको बता दें कि ये गैंग ट्रकों से रिम सहित टायर चोरी करने वाला गैंग है। कुछ दिन पूर्व दादरी क्षेत्र में इन्हीं बदमाशों ने 2 घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसमें एक ट्रक से 11 टायर और दूसरे ट्रक से 14 टायर रिम सहित खोलकर ले गए थे। इसमें से 10 टायर रिम सहित बरामद हुए हैं। इसमें फिरोज नाम का एक बदमाश है, जिस पर 14 मुकदमे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में कायम है। ये जनपद मुरादाबाद के थाना मैनाठेर क्षेत्र का रहने वाला है। 5 अन्य भी मैनाठेर थाने के ही रहने वाले हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। और इसी के साथ INS News Plus की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।